टाइगर 3 के लिए सलमान खान और शाहरुख खान की शूटिंग का समय पता चला है। ये दोनों लोग जनवरी के आखिर में टाइगर और पठान का क्रॉसओवर सीक्वेंस शूट करेंगे। फिलहाल सलमान खान अपनी अगली फिल्म किसी का भाई किसी की जान में व्यस्त हैं। वैसे तो फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, मगर कुछ पैचवर्क शूट करना बाकी है। मगर टाइगर 3 और किसी का भाई किसी की जान के बाद सलमान खान कौन सी फिल्म शुरू करेंगे, ये बड़ा सवाल है। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान बैक टू बैक किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 की शूटिंग निपटाएंगे। टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान के सीन्स को ऐसे प्लान किया गया है ताकि वो दोनों सुपरस्टार्स के कद के साथ न्याय कर सके। ये भीषण एक्शन सीक्वेंस बताया जा रहा है। इसे यशराज स्टूडियो में शूट किया जाना है। VFX की मदद से इसे ग्रैंड बनाया जाना है। इसलिए टाइगर 3 की रिलीज डेट ईद 2023 से दिवाली 2023 पर शिफ्ट कर दी गई है ताकि कोई जल्दबाजी ना रहे। टाइगर 3 का काम फरवरी के एंड तक खत्म होने की खबरें हैं। टाइगर और पठान के किरदार पहली बार एक साथ पठान में दिखाई देंगे। दोनों की अगली मुलाकात टाइगर 3 में होगी। खबर ये भी थी कि YRF टाइगर और पठान के कैरेक्टर्स के साथ एक फुल फ्लेश्ड फिल्म प्लान कर रही है। हालांकि ये अभी दूर की कौड़ी है क्योंकि उसके लिए ढेर सारी तैयारी करनी पड़ेगी। खैर, मसला ये है कि किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 से फारिग होने के बाद सलमान कौन सी फिल्म शुरू करेंगे। सलमान अप्रैल 2023 से नई फिल्म शुरू करेंगे जिसे ईद 2024 पर रिलीज किया जाएगा, मगर अभी ये तय नहीं है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा। पिंक विला की उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान के पास साउथ के फिल्म मेकर्स के कुछ ऑफर्स हैं। इसके अलावा वो दूसरी स्क्रिप्टें भी देख रहे हैं। इसमें अली अब्बास जफर की एक्शन एंटरटेनर भी शामिल है। खबरें थी कि पुष्पा की प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने सलमान के साथ एक फिल्म को लेकर बातचीत की थी, मगर वो बातचीत कहाँ तक पहुंची है ये किसी को नहीं मालूम। अभी तक सलमान ने कोई प्रोजेक्ट लॉक नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दी ललन टॉप है इंडिया टुडे का डिजिटल फर्स्ट न्यूज प्लेटफॉर्म, एक ऐसी वेबसाइट जहां आप सिर्फ खबरें पढ़ते ही नहीं वीडियोस को देखते हैं, पॉडकास्ट को सुनते भी हैं। हम हैं नए जमाने के किस्सेबाज, नई तर्ज पर सुनाते हैं नई कहानियां, कहानियां जो बनती हैं कभी जिंदगी के अनुभवों से तो कभी आंकड़ों से। कभी उतर कर आपके बीच दिखाते हैं जमीनी हकीकत, फैक्ट चेक से खोलते हैं झूठ की पोल, तो कभी चुनावी सरगर्मी के बीच नापते हैं सियासत का तापमान। हम हैं दी लल्लन टॉप, स्पष्ट, सरस, सरल।